और आप इसमें देख सक रहे हैं, सबसे पहले तो ये एक नली आई है। ये कहाँ लगेगी ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये आइटम निकला है, दो इसमें अपने को एडेप्टर, हाई प्रेशर एडेप्टर जो रेगुलेटर बोलते हैं, ये निकले हैं। एक वेपोराइजर निकला है और ये इसके कुछ पार्ट्स निकले हैं, ये भी कहाँ लगेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हमारे को ये इसमें एक पाइप मिली है। इस पाइप को हम देखें तो मेरे हिसाब से लगभग 1 मीटर लंबी इसकी साइज है और इसके दोनों तरफ ये एडेप्टर लगे हुए हैं जो अपना हाई प्रेशर रेगुलेटर है। ये स्टार कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है और ये देती है साथ में, बहुत काफ़ी हेवी है ये। और इसमें इस तरीके से हम इसको लगाते हैं दोनों साइडों में, टेक्लोन लगा के कुछ इस तरीके से ये टाइट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से लगता है और ये अपना रिफिलिंग के लिए काम आता है। उसके बाद इसमें एक चीज़ काफ़ी अच्छी आती है कि जो अगर कहीं डिक्की में स्पेस नहीं होता है तो उसके लिए कंपनी ने ये लो टू हाई एक रेगुलेटर दिया हुआ है। ये हाई प्रेशर हो गया और इसका ये रिड्यूसर हो गया, तो ये गैस को लो प्रेशर करके आगे पास करता है। तो इसके जैसे इनलेट के अंदर हाई प्रेशर गैस जाती है और इसके आउटलेट के अंदर लो प्रेशर बाहर निकलती है। तो इसका जो आप एक जो साइज देखते हो वो काफ़ी छोटी है और ये इजीली किसी भी छोटी डिक्की के अंदर भी अपना सिलेंडर और ये लग जाता है। तो ये अपना हाई टू लो सिस्टम हो गया, ये भी काफ़ी हेवी है और काफ़ी मजबूत है ये और इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बाद मैं पाइप की बात करूँ तो इसमें हमें कंपनी पाइप देती है जो अपनी इस रेगुलेटर से कनेक्ट होके, लो हाई टू लो से कनेक्ट होके अपने इस वेपोराइजर के अंदर लगती है। और वेपोराइजर के अंदर कहाँ लगती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये अपने वैक्यूम की और कार्पेटर के पीछे जो पाइप लगती है उसके लिए काम आती है। तो दूसरा, अब इसके जो कंपोनेंट आए हैं साथ में वो मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या आइटम आया है। ये अपनी स्टार की बटरफ्लाई होगी जो इजीली हमें या इसको लगाना होता है, इसके थ्रेड बने हुए हैं तो इसमें जैसे ये कस के इसको कंप्लीट सोल्यूशन वगैरह लगा के हम चिपका देते हैं। और उसके बाद ये इसका आइडल है और इसमें स्प्रिंग भी है साथ में, तो इसको भी यहाँ लगा के हम इसको ऐसे इस तरीके से अंदर कस देंगे। उसके बाद इसके दो स्क्रू मिलते हैं अपने को और एक पत्ती मिलती है जो बाइक में हम कहीं पर भी पत्ती को लगा के, जैसे इसमें एक चांद जैसा आकार बना हुआ है कंपनी साथ में देती है, तो ये कहीं से भी हम इसको ऐसे लगाए चाहे ऐसे लगाए, जहाँ अपना वेपोराइजर सेट होता है ये एडजस्टेबल पत्ती हमें साथ में मिलती है जो लोहे की है। इसके बाद ये हमें टी मिलती है, तो जिन गाड़ियों में वैक्यूम का सिस्टम है उसमें तो उस नली को काट के हमें टी लगा के इसका कनेक्शन देना होता है वैक्यूम के लिए। दूसरी बात, अगर जिन गाड़ी में वैक्यूम का सिस्टम नहीं है तो ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा आइटम दिया हुआ है, तो पहले हम 8 नंबर के नोजल को अंदर छेद करके उसमें लगाते थे, तो उसकी जगह हम ये जो अपना वाइसर है, ये जो कारपेटर और जो इंजन के आगे जो हेड की जो पाइप होती है उसके बीच में जो ऐसा इस टाइप का एक वाइसर होता है उसको आप रिमूव करके ये लगा दीजिए, और उसका जो रबड़ होता है इस वाली रिंग इस कैप के अंदर वो रबड़ निकाल के, रबड़ की रिंग निकाल के इसमें रिप्लेस कर दीजिए और इसको लगा दीजिए, जिससे अपनी जो वैक्यूम है इसको यहाँ से मिलता रहेगा और हमें कोई एक्स्ट्रा छेद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, ये एक नोज़ल है जो अपन कारपेटर के पीछे जो पाइप पिस्टन के अंदर छोड़ के उसको दबाते थे, तो उसकी जगह हम ये लगा देते हैं इसमें, तो जिसमें ये कारपेटर के अंदर इस टाइप से लग जाती है। तो मैं ये कैसे लगती है, मेरे पास एक कारपेटर पड़ा हुआ है आपको बता दूँ, ये मेरे पास स्प्लेंडर का एक कारपेटर है
तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे कारपेटर का यहाँ अपने रबड़ की पाइप लगती है, तो ये जो नोज़ल है ये कुछ इस तरीके से इसमें इजीली लग जाती है, तारों को प्रेस करके इसमें लग जाते हैं। और जो अपने कारपेटर के पीछे हम जो छेद करके पाइप डालते हैं वो पाइप इसमें खाली लगानी होती है। उसके लिए जब ये कभी कोई मैकेनिक इसको खोलता है तो भी ये इजीली रिमूव हो जाती है। और जब पहले हम वो चिपकाते थे उस पाइप को फेविकिक से, तो कभी उसमें टूटने का भी दिक्कत रहती थी और नए लगाने में भी प्रॉब्लम होती थी, तो उसकी जगह हम इसमें ये अपने को एक अच्छी सुविधा मिलती है। तो ये पिस्टन के वहाँ टच भी नहीं होती है कंपनी ने, और इसमें एक एडजस्टेबल कट भी होती है। अगर किसी बाइक में पिस्टन अगर ज़्यादा लंबा पास में है तो आप ये दो कट है इसमें, एक और दो यहाँ से भी काट सकते हैं। अगर यहाँ से एडजस्टेबल नहीं होता है, लंबी हो रही है ये नोज़ल, तो आप इसको यहाँ से भी काट के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। या कंपनी ने ऑलरेडी इसमें दो कट दिए हुए हैं। तो ये जो निपल है, नोज़ल है, ये काफ़ी इसमें अच्छा सिस्टम दिया हुआ है कंपनी ने। और तकरीबन सारे ये स्टार का मेन वेपोराइजर हो गया। अब इसमें जो पाइपिंग होती है वो कैसे लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये और ये जो अपने वैक्यूम का जो सिस्टम है, तो वैक्यूम के लिए हमारा इसमें बीच में जो नोज़ल है वो वैक्यूम के लिए होता है। यहाँ से इसको वैक्यूम मिलेगा, वैक्यूम जनरेट होगी, तभी इसके पर्दे होते हैं वो पीछे की साइड में प्रेस होते हैं जो नीचे दबते हैं, और यहाँ से गैस अंदर जाती है, और यहाँ से इनलेट ये है अपना मेन, और आउटलेट यहाँ से बाहर आती है। तो यहाँ जो बटरफ्लाई लगी होती है इसमें एक एडजस्टेबल वाल होता है, जिस गाड़ी को जितनी गैस की आवश्यकता होती है उसको इसको आप तकरीबन यहाँ तक कस लीजिए जब गाड़ी सेट करते हो, तो ये यहाँ तक बस। और फिर आपकी गाड़ी जिसके जैसा जो इंजन है उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्टेबल एडजस्टमेंट करना होता है अपने को। तो ये अपने इसमें बटरफ्लाई भी काफ़ी अच्छी है इसकी, जो मैनुअली मतलब काफ़ी मजबूत है, और एक वाल जैसा इसमें अपने को मिलता है ये सिस्टम। कोई पेस इसमें एक ऑप्शन होता है पेस्कस लगाने का, लेकिन ये हाथ से भी काफ़ी अच्छी तरीके से खुल भी जाती है और बंद भी हो जाती है। तो आपने देखा स्टार कंपनी और ये स्टार का वेपोराइजर काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी अच्छा होता है, और पिकअप भी अच्छा मिलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एवरेज अपने को कम मिलता है, लेकिन इसकी लाइफ भी अच्छी रहती है, लेकिन माइलेज इसमें थोड़ा सा हमें कम मिलता है। और माइलेज के लिए अगर हम बात करें तो जो गाड़ी जितना पेट्रोल के ऊपर माइलेज देती है उसका डेढ़ गुना अपने को इस LPG पे जब कन्वर्ट करते हैं अपन बाइक को, तब इसमें डेढ़ गुना अपने को पेट्रोल का डेढ़ गुना माइलेज मिलता है। सपोज़ अगर कोई बाइक हमें 60 का पेट्रोल के ऊपर, 100cc की बाइक है और 60 का उसका एक लीटर पेट्रोल के अंदर 60 किलोमीटर अगर वो चल रही है, टॉप स्पीड में इकोनॉमी स्पीड में 60-70 की या 50-60-70 की, तो फिर वो आपकी LPG के ऊपर 80-90 का माइलेज मिलेगा। एक लीटर LPG के अंदर 90 किलोमीटर का आपको माइलेज मिलेगा। तो आज आपने देखा दोस्तों हमने कैसे स्टार का जो किट है अपना पूरा, ये उसको जो अनबॉक्सिंग किया है, कंपनी पूरा आइटम हमें साथ में देती है, हमें इसके अलावा मार्केट से कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो इसमें बाइक में जो स्पेयर लगता है वो काफ़ी डिक्की को छोड़ के कंपनी ने पूरा एक कॉम्बो बना के ये लॉन्च किया है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको किट संबंधी कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9928505007, इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और आपकी कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ किट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ मैसेज छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।